गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम अगेन शाय सर विद योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। हाउ आर यू बेटा? ओके, आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस ऑन द टॉपिक प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हमने आपका एक टेस्ट भी लिया था, बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, कुछ एक दो मिस्टेक थी उनको हमने करेक्ट किया। तो बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस के बारे में। थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको, क्योंकि टेंस हम जो पढ़ते हैं उसमें मैंने आपको इन द बिगिनिंग ऑफ दिस टॉपिक आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट दैट कि टेंस इज एक्सप्लेन द एक्शन एनी इंसिडेंट विच हैपन्स इन द पास्ट प्रजेंट और फ्यूचर। तो और अगर टेंस नहीं होते तो हमें नहीं पता चलता कि कोई काम कब हुआ है, कब चल रहा है, क्या अब हो रहा है या होगा। वी डोंट नो अबाउट डैट, एवरी थिंग इज सो टेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी रूप में हमने इसको तीन भागों में बांटा था, प्रजेंट इंडेफिनेट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। एवरी टेंस हैव ए फोर पार्ट्स एंड द फर्स्ट टेंस प्रेजेंट टेंस वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इट्स एवरी फोर पार्ट्स। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जैसा मुझे लग रहा है मैंने आपका जो एवोल्यूशन किया है, मैंने आपको एक क्वेश्चन पेपर बनाकर सेंड किया था और जैसा आपका रिस्पॉन्स आया है तो आई होप कि आपको समझ आ गया है। तो अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की। बेटा पास्ट टेंस क्या होता है? एक्चुअल में पास्ट टेंस का मतलब होता है कि जो घटना घट चुकी है यानी भूतकाल में हो चुकी है उसके बारे में बात करते हैं। और इसके भी चार पार्ट्स होते हैं, पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो एवरी टेंस, एवरी पार्ट ऑफ दिस टेंस वी हैव एक्सप्लेन एंड यू कैन केयरफुली लिसन एंड वॉच द वीडियोज। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये एक अकेला ऐसा टेंस है, हमारे पास 12 प्रकार के टेंस हैं, तीन प्रकार के टेंस हैं, उनके जो पार्ट हैं टोटल 12 हो जाते हैं, उसमें एक अकेला ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनेट जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, अदरवाइज़ किसी में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। किसी या तो फर्स्ट फॉर्म आएगी या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन पास्ट इंडेफिनेट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अच्छा, तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, मैं पीडीएफ तो भेज ही रहा हूँ आपको कंटिन्यूसली, इसमें भी भेजूंगा, आप एक बार सुन लीजिए वीडियो को ध्यान से, उसके बाद पीडीएफ देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, उसको फिर आपके हिसाब से जैसे आपको सूटेबल लगे आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोटबुक पर। तो बेटा जो पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट, यही तीन चीज़ें होती हैं सिंपल पास्ट टेंस के अंदर। तो हमने जो पहला ही सेंटेंस लिया था उसी को हम पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा? मैंने आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट होता नबील था उसमें, अब जो हमारी वर्ब थी उसमें प्ले थी, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो रही थी, तो अगर सेकंड फॉर्म में आप इनको बनाएंगे तो प्ले का प्लेड हो जाएगा, तो नबील प्लेड, ऑब्जेक्ट हमारा वही रहेगा सेम फुटबॉल, नबील प्लेड फुटबॉल। तो ये बेटा हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ये डजंट मैटर कि उसमें ये मैटर नहीं करता कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, डजंट मैटर, चाहे आप नबील हैड, नबील प्लेड फुटबॉल आएगा, अगर हम इन प्लेस ऑफ नबील दे का यूज़ करते हैं दे प्लेड फुटबॉल तो सेम होगा, जैसे हमारा प्रेजेंट में था कि इफ़ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी कैन एड एस ई आई एस या डू या डज का जो है नेगेटिव में आएगा, वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ सेम आएगा, चाहे सिंगुलर है चाहे आपका प्लूरल है। अच्छा, फिर बात करते हैं हम, अब मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के बारे में बात की थी और
पास्ट टेंस का भी सिंपल सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, उसमें हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है बेटा, और ऑब्जेक्ट होता है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है प्लस में डिड नॉट होती है, नॉट के साथ डिड लग जाता है। जैसे वहाँ डज लग रहा था प्रेजेंट इंडेफिनेट में, डू या डज लग रहा था, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर था। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ पिछले का भी, थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा आपको रिमाइंड रहता रहे, वो फ्रेश होता रहे माइंड के अंदर। तो बेटा हमारा जो प्रेजेंट में हमने किया था उसमें क्या आ रहा था कि सब्जेक्ट सिंगुलर था तो डज नॉट आ रहा था, प्लूरल था तो डू नॉट आ रहा था। बट ये जो केस है ये सिंपल पास्ट टेंस में नहीं है, यहाँ पर डिड नॉट आएगा, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, दोनों में डिड नॉट आएगा। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखने, देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अक्सर हम गलती कर जाते हैं बेटा। अब हमें लग रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस में तो सर ने बताया वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी ना कि सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि हम डू में डू डिड डन तो डिड पहले ही यूज़ कर चुके हैं। हम क्या कर रहे हैं, नबील डिड नॉट प्ले फुटबॉल, अब प्लेड नहीं लगाएंगे हम क्योंकि हम डू के साथ डिड कर चुके हैं। तो नबील डिड नॉट प्लेड सॉरी प्ले फुटबॉल। इसी तरह चाहे हमारा सिंगुलर है चाहे हमारा प्लूरल है, अब इन प्लेस ऑफ नबील वी कैन यूज़ दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल। बस ये पैटर्न रहेगा, ध्यान रख लेना बेटा इसमें। उसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा हम इसका यूज़ कहाँ कर देंगे, क्या कुछ पहचान होती है इसकी, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सबसे बड़ी बात होती है। क्योंकि कई बार आपको आपने पूछ लिया कि ये कौन सा टेंस है, आपको बता दें ये तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। अब आपको नहीं पता पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस में क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, क्या पैटर्न होता है। तो बेटा इसमें दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल ही आएगा, नबील डिड नॉट प्ले फुटबॉल ही आएगा, क्योंकि सिंगुलर है या प्लूरल है, बोथ हैव द सेम हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट एंड प्ले फुटबॉल। अब प्ले जो है प्लेड नहीं होगा, वो प्ले ही होगा, ना उसमें ई एस लगेगा ना ई एस लगेगा ना ई डी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, लगा लिया हमने, ठीक है। फिर बेटा आता है हमारा तीसरा इंटरगेटिव सेंटेंस। तो इंटरगेटिव सेंटेंस में सेम पैटर्न को फॉलो करना है जो हम प्रजेंट में करते आए थे। नेगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी सब्जेक्ट से पहले लगती है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, डिड नबील प्ले फुटबॉल, यहाँ पर भी प्ले ही लगाना, कभी प्लेड कर दो। सिर्फ आपको सिंपल सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करनी है, अदरवाइज नेगेटिव और इंटरगेटिव में डिड लग जाएगा, उसके साथ में जो मेन वर्ब लगेगी वो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ध्यान रख लेना बेटा। अब डिड नबील प्ले फुटबॉल और पीछे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हम क्वेश्चन पुट करते हैं यहाँ पर, और अगर हमारा प्लूरल है तो भी सेम ही पैटर्न लगेगा, डिड दे प्ले फुटबॉल। अब चीज़ है कुछ वर्ड्स हैं जो आपको नॉट डाउन कर लें, मैं पीडीएफ भेज रहा हूँ बेटा, उसको लिख लेना, भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सुन लीजिए सिर्फ आप वीडियो में, बाकी जो बाद में पीडीएफ भेजूंगा उसमें सब लिखा हुआ है, उन वर्डों को भी लिख रखा है मैंने। तो नॉट करने वाली जो बात है, अगर आपको सेंटेंस में दिखाई दे जाए लास्ट LAST लास्ट, या आपको यस्टरडे, या आपको एगो, या एज सून एज, या वैन, या सेंचुरी यानी जो शताब्दी होती है, के साथ हमेशा पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस था, लास्ट संडे आई फिर फिल इन द ब्लैंक्स गो टू मार्केट। अब देखिए उसमें पूछा कि कौन सा टेंस आएगा, तो बेटा जो कौन सा टेंस आएगा हमें नहीं पता था कौन सा है, लेकिन हमें एक पहचान पता था अगर सेंटेंस में लास्ट आ जाए तो वहाँ पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। अब बात ये चला, हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा, लेकिन बात ये है कि हमें अगर पैटर्न नहीं पता कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में क्या होता है, तो हम कैसे क्या वर्ब लगाएंगे, या वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी या नहीं लगेगी, तो थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ, इनको बेटा ऑलवेज कीप इन योर माइंड जब भी आप वर्ब को फेल करें। तो क्या आएगा, अब हमें पता चल गया कि इसमें तो लास्ट आ रहा है, इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग होगा। तो हमें पता चल गया कि पास्ट इंडेफिनेट का जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। तो अब यहाँ पर हमें तो वर्ब भरनी है, गो जो दे रखा था वो फिल इन द ब्लैंक्स करके और ब्रैकेट में गो दे रखा है, तो लास्ट आ रहा है तो गो के साथ हमें पता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, गो की सेकंड फॉर्म क्या बनेगी, वेंट बन जाएगी। तो क्या लिखेंगे, लास्ट संडे आई वेंट टू द मार्केट, डेट्स राइट।
तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा आज का जो टॉपिक था पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आपको, क्योंकि आपका जो लेवल है वो बेटा थोड़ा नीचा है, 6th and 7th स्टैंडर्ड में मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उसे ये HSB में तो 12th में 11th में भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वहाँ हम ज़्यादा करा सकते थे, लेकिन अभी थोड़े लेवल के हिसाब से मैं एक एक टॉपिक आपको करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं कि मैं करा गया और आपने देख लिया एक बार उसके बाद में नहीं है, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। कंसंट्रेटली होकर मैं थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, इसलिए उसको अच्छे से करना है। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही, जो मैंने पढ़ाया उसका मैं आपको PDF सेंड कर रहा हूँ, अच्छे से अपनी साफ़सी नोटबुक में, जो आपकी सफ़ नोटबुक होती है उसमें इसको राइट डाउन कर लेना, अपने हिसाब से जैसा आपको सूटेबल है कर लेना। तो इस वीडियो में बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।